दोस्तों रेलवे क्यों जारी करता है GNWL, RLWL और PQWL वेटिंग, कब टिकट होगा कंफर्म, तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं। जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बिहार यूपी जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में त्योहार के मौसम में काफी यात्रा करने में मुश्किल होती है, ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं, कुछ ट्रेनों में तो वेटिंग लिस्ट 250 से अधिक है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह वेटिंग लिस्ट क्या है और यह कितने तरह का होता है। वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहता है। दरअसल टिकट बुक कराते समय हमें से अधिकतर लोग इस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि आपके सहयात्री की टिकट का वेटिंग लिस्ट ज्यादा हो और उसका टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन आपकी टिकट का वेटिंग लिस्ट कम हो और आपका टिकट कंफर्म ना हो। इसी चीज को समझने के लिए आज हम अलग अलग तरह के वेटिंग टिकट के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप वेटिंग टिकट बुक कराते समय ही सही सही अनुमान लगा सके कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है जनरल वेटिंग यानी GNWL टिकट। दोस्तों GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। यह वेटिंग टिकट उस वक्त जारी किया जाता है जब आप ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन से शुरू कर रहे हैं यात्रा हो। जैसे अगर कोई ट्रेन हावड़ा से चलकर दिल्ली आती है तो उसमें हावड़ा से टिकट लेने पर आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलेगा। अगर आप उसी ट्रेन में पटना से टिकट लेते हैं तो आपको जनरल वेटिंग नहीं मिलेगा। यह सबसे कॉमन वेटिंग लिस्ट होता है और इस वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जहां से ट्रेन चलती है वहां से उसमें उसका ज्यादा बर्थ उपलब्ध होते हैं, टिकट कंफर्म होने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। जब भी आप इस तरह के कोई टिकट लें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जनरल वेटिंग टिकट लेना है या कोई अन्य। इसके बाद आप जानते हैं कि क्या होता है RLWL। दोस्तों RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यह वेटिंग लिस्ट ट्रेन के शुरू और गंतव्य स्टेशन के बीच स्टेशन से जारी किया जाता है। जैसे हावड़ा से दिल्ली की ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति पटना से टिकट लेता है तो उसे RLWL वेटिंग टिकट मिलेगा। ये स्टेशन ट्रेन के पूरे रूट में पड़ने वाले अहम शहर होते हैं। इस तरह के वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने का चांस GNWL की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई कोटा नहीं होता है, बल्कि उक्त स्टेशन के बीच कन्फर्म टिकट के कैंसिल होने पर इसे कन्फर्म किया जाता है। अब जानते हैं TQWL के बारे में। दोस्तों TQWL का मतलब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है। जब आप तत्काल टिकट बुक कराते हैं और कन्फर्म होने टिकट नहीं मिलता तो रेलवे इस तरह का वेटिंग टिकट जारी करता है। ये भी कन्फर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए रेलवे के पास कोई कोटा नहीं होता है। केवल कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने के बदले में यह TQWL वेटिंग टिकट कन्फर्म किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं PQWL के मायने। दोस्तों PQWL का मतलब पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। यह टिकट ट्रेन रूट के बीच छोटे स्टेशनों से वेटिंग टिकट लेने पर मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से भुसावल के बीच चलने वाली गोंडावना एक्सप्रेस ट्रेन में विदिशा से भुसावल के लिए टिकट लेते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां PQWL वेटिंग मिले। यानी PQWL उन्हीं यात्रियों को मिलता है जो ट्रेन के शुरू और अंतिम गंतव्य स्टेशनों के बीच के किन्हीं स्टेशनों के बीच से यात्रा करते हैं। इस वेटिंग टिकट के बीच भी कंफर्म होने का चांस काफी कम रहता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।